और पंप लगा के उनको प्रेशर दे के, ताकि एक एक हेक्टर पे हाइड्रेंट लगा के, ताकि फार्मर के घर खेत के बाहर एक प्रेशराइज्ड वाटर अवेलेबल रहे, ताकि सिर्फ वो उसको कनेक्ट करे और अपनी माइग्रेशन चालू कर ले। इस तरह का अरेंजमेंट हम सोच रहे हैं। इसके अंदर हम ये भी सोच रहे हैं कि जो हमारी करंट सरफेस माइनर इरीगेशन होती है, छोटी छोटी बंद बना के उनको हम पानी रोकते हैं, और जो ग्राउंड वाटर होते हैं, ग्राउंड वाटर के कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स आए हैं जो हम वाटर कर सकते हैं, उनको भी इस पानी में क्लब कर सकते हैं। इसके अंदर हम जो रीयूज वाटर है, जो ट्रीटेड वाटर है, पावर हाउस का वाटर है, एसटीपीज का वाटर है, या जो भी अर्बनाइज सोर्सेज या न्यू वाटर सोर्सेज होते हैं, उसको भी हम इसमें क्लब कर सकते हैं। तो एक नया पार्टिकम हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेरे पास कमांड की एक्सप्रेशन होती है। आज मेरे पास एक क्यूसेक में अगर मैं 400 हेक्टर देता हूँ, तो हो सकता है एक क्यूसेक से मैं 500 या 1000 हेक्टर दे सकूँ। ऐसा हमने कुछ कल कुछ स्कीम हुई है। आपको सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पर हम एक माइनर कैनाल है, MC1 इज माइनर कैनाल 1, MC2 इज माइनर कैनाल 2, उसे कुछ एरियाज हैं जिनको आज हम पूरी तरह से पानी दे सकते हैं। डॉटेड एरिया जो है वो बताता है कि हम अगर हम इस करें तो हमारी कमांड कितनी बड़ी हो सकती है एक लिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर से। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज इंडिया में अवेलेबल है। मध्य प्रदेश करीबन 35 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी काम पे कर रहा है। रामथल एक डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। सब कंपोनेंट इंडियंस हैं, सब कंपनीज बाहर एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन इंडिया में यूज़ कम होता है इनका। तो आज हम इनको बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊँगा इनकी। सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रो इरिगेशन रेवोल्यूशंस को सक्सेसफुल के लिए कन्वर्जेंस ऑफ दीज टू स्कीम्स आर मस्ट। एक आउटसाइड द फॉर्म क्रिएटिंग एंड माइक्रो इरिगेशन रेडी नेटवर्क फॉर आउटसाइड द फॉर्म एंड क्रिएटिंग माइक्रो इरिगेशन सपोर्ट इनसाइड द फॉर्म, दीज टू थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज लेड बाय इरिगेशन डिपार्टमेंट्स सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड सेकेंड इज सपोर्टेड आई मीन इन नाउ मिनिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर इज डूइंग इट, बट माई रिक्वेस्ट वुड बी टू चेंज इज टू वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट सो दैट कन्वर्जेंस रिमेन्स द सेम, एंड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इन दोनों का कन्वर्जेंस हर हाल में बहुत ज़रूरी है अगर हम माइक्रो इरिगेशन की रिवॉल्यूशन इस देश में लाना चाहते हैं। ये कन्वर्जेंस तकनीकी तौर पर, पोर्टल तौर पर, मीटिंग्स के तौर पर, और जो भी डायमेंशन निकल के आती हैं उसमें हम सोच सकते हैं। थोड़ा सा प्रधानमंत्री सिंचाई क्षेत्र आधुनिकीकरण उपयोजना के बारे में ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमारा जो मेन इम्पैक्ट आएगा, हमने जो अपने कैलकुलेशंस करी कि हम करीबन 1 BCM अराउंड 1 BCM तक का पानी सेव कर सकते हैं। इसके अंदर सरफेस जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर चेंजेस आएंगे, फार्मर्स के अंदर चेंजेस आएंगे, एक सोशल इम्पैक्ट हमारे देश में रूरल इकोनॉमी के ऊपर। हमारे देश में आज की डेट में हमारे पास बेनिफिशियरी डाटा का अभाव है, हमारे पास पॉलिसी पैरालिसिस है, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास डाटा होना चाहिए वो नहीं है, कुछ ऐसी विषय हैं जो फार्मर्स को प्राइसिंग हम नहीं कर पाए आज तक वाटर की, वो हम नहीं वो कर सकेंगे। वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे हम पानी का मीटरिंग कर सकेंगे। ये सारे हमारे को बेनिफिट्स इस स्कीम से मिलते हैं। जो इश्यूज हमारे एड्रेस होते हैं, सोलर मिशन हमारा एड्रेस होता है, हमारे यहाँ मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर का मिशन सारे एड्रेस होते हैं, ब्यूरो वाटर एफिशिएंसी के मिशन एड्रेस होते हैं, रूरल इकोनॉमी के मिशन एड्रेस होते हैं। इसकी सिर्फ की रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे यहाँ कन्वर्जेंस जो है 2 मिनिस्ट्रीज का बहुत ज़रूरी है। बिना उसके जहाँ पर ये स्कीम हमारी काम करे वहीं पर ही MI के प्रोजेक्ट होने, क्योंकि दोनों पैरेलल चलेंगे। अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट चलें तो उसके पीछे इंसिस्ट किया जाए कि एक PPIC दिया जाए, ग्राउंड वाटर पे बेस्ड ना किया जाए। जब तक ये विचारधारा नहीं बनेगी हम इस स्कीम को या माइक्रो इरिगेशन को रिवोल्यूशन में नहीं ले पाएंगे।
हाँ, PPIC जो स्कीम मैंने बताई है इसका बहुत क्विक रिजल्ट है। इसको इंस्टॉलेशन करना सेक्चुअली बहुत ही आसान है। एक बार सोसाइटी बन जाए तो सोसाइटी बनने के एक साल या सवा साल में हमने देखा है कि इलेक्शन हो जाएगा। एक सवा साल में कोई भी स्कीम रिजल्ट नहीं देती। फॉर 5000 हेक्टेयर वी हैव वर्कड आउट कि 1.5 साल मैक्सिमम के अंदर ये रिजल्ट कुछ स्टार्ट शो में रिजल्ट। दिस इज लास्ट पॉइंट, वी वेलकम टू द अमृत कॉल फॉर दिस कमांड इरीगेशन एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव काइंडली थिंक ओवर ऑल पॉइंट्स। थैंक यू।